हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत रेयरली ये पूछी गई है अभी तक। ठीक है, और इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना अगर आपने नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तब तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में या नहीं पता है तब आप इस रिएक्शन को गलत करके आओगे, 100% गलत करके आओगे। ठीक है, तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, कोई डरने वाली बात नहीं, 2 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। ठीक है, 2 मिनट का काम है, फटाफट इस रिएक्शन को करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं, है ना। देखो, जैसी शुरुआत वैसी वाइंड अप की बात भी हो गई, कितना आसान टॉपिक होगा। देखो, इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, अगर आप हैलोजिनेशन कराते हो ईथर की, ठीक है, वो हैलोजिनेशन आप डार्क में करा सकते हो या लाइट की प्रेजेंस में करा सकते हो। और हेलोजन्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन, सिर्फ यही दो हेलोजन्स आप यूज कर सकते हो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स में। ठीक है, अब अगर आप डार्क में कराते हो, ठीक है, तो अब जो ईथर्स के अंदर अल्फा कार्बन्स होंगे, ठीक है, यहां पे भी एक अल्फा कार्बन होगा, यहां पे भी एक अल्फा कार्बन होगा, दो साइड पे अल्फा कार्बन्स होंगे, तो आपने क्या करना है, जब आप रिएक्शन डार्क में कराओगे, रिप्लेस हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन बाय हेलोजन। कितने हाइड्रोजन, दोनों का एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, याद करने वाला ही है थोड़ा सा, बस समझो इस चीज को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है उसको हेलोजन से रिप्लेस कर देना है। कितने हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, उससे ज्यादा नहीं डार्क में। ठीक है, तो मतलब अगर मैं CH3 लेता हूं, CH3O CH3, इसको मैंने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, मतलब सनलाइट नहीं यूज की है, तो देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हमारे हेलोजन से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3CH2O CH2CH3, तो इसमें भी दो दो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, हमने क्लोरीन यूज किया है और डार्क में यूज किया है, तो दोनों का एक एक हाइड्रोजन हटा दिया है और उसकी जगह क्या लगा दिया है, हैलोजन। लेकिन यहीं पे अगर आप ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में कराते तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे, अल्फा छोड़ो इसमें बीटा भी रिप्लेस होंगे, जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देना है, जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देना है, तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाता, CCl3O CCl3, यहाँ तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही मैंने शो किए थे, अगर मैं बीटा करता तो बीटा भी रिप्लेस हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है लाइट के अंदर, देखो कितना फर्क है, डार्क में सिर्फ एक एक अल्फा हाइड्रोजन, लाइट की प्रेजेंस में आते ही पूरे जितने भी हाइड्रोजन है चाहे वो अल्फा है चाहे वो बीटा है सब रिप्लेस कर दे रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे था, अब इसी के अंदर ये बीटा कार्बन हो जाएगा, अगर ये रिएक्शन मैंने लाइट की प्रेजेंस में कराई होती, ठीक है, तो देखो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन थे वो भी रिप्लेस हुए, अल्फा पे भी रिप्लेस हुए, सारे के सारे रिप्लेस हुए, कोई एक आधा रिप्लेस नहीं हुआ, सारे के सारे रिप्लेस कर देने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान रिएक्शन है, कहा था 2 मिनट का काम है, बस यही है। ठीक है, तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो बस ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, आप रिएक्शन बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी का काम अगले वीडियो में।